अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारी उसके साथ एक्सरसाइज होगी। क्वेश्चन है, वेयर डिड फायजा प्लेस, फायजा ने कहाँ रखे थे द थ्री साइंस, तीन इश्तिहार दैट शी हैड मेड, जो उसने बनाए थे। फायजा ने वो तीन इश्तिहार जो उसने बनाए थे कहाँ रखे थे। आंसर है, फायजा प्लेस्ड वन साइन, फायजा ने रखा था वन साइन एक इश्तिहार एट ईच एंड ऑफ द रोड, हर किनारे पर, सड़क के हर किनारे पर उसने एक एक इश्तिहार रख दिया था। देन शी प्लेस द थर्ड साइन इन द पोथोल गार्डन, और फिर शी प्लेस उसने रख दिया था द थर्ड साइन, तीसरा इश्तिहार इन द पोथोल खड्डे में, जो वहाँ पर उसने खड्डे में सारी चीज़ें कंपोस्ट वगैरह और फ्लावरिंग श्रब्स लगाकर उसने जो अपना छोटा सा गार्डन बनाया था, तीसरा साइन उसने वहाँ पर लगाया था, उस पर लिखा हुआ था फायजा गार्डन। फायजा प्लेस्ड वन साइन एट ईच एंड ऑफ द रोड, फायजा ने एक एक इश्तिहार सड़क के हर किनारे पर रख दिया। देन फिर शी प्लेस द थर्ड साइन, देन शी प्लेस, फिर उसने रख दिया द थर्ड साइन, तीसरा इश्तिहार इन द पोथोल गार्डन, खड्डे वाले भाग में। बी वाली एक्टिविटी है पेज नंबर 37 पर, वर्किंग विद वर्ड्स, फाइंड वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग इन द पैसेज। इन तमाम ये कुछ एक्सप्लेन वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनको पढ़कर एक वर्ड में इसका आंसर देना है कि ये किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, अ चैनल एट द एज ऑफ अ स्ट्रीट, किसी गली के आखिर में एक चैनल, चैनल यहाँ पर आएगा नहर के तौर पर, नहर, एक नहर या ऐसी जगह जहाँ से पानी के बहने का रास्ता बनाया जाए, उसको गली के किनारे पर एक नहर, जिसे हम क्या कहेंगे, गटर, जहाँ से पानी बहता है, गली के किनारे पर एक ऐसी जगह जहाँ से पानी बहता है उसे हम कहेंगे गटर। आ क्लास आर स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत छोटे बच्चों के लिए स्कूल या एक जमात, उसे हम क्या कहेंगे, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन एक ऐसे अदारे को कहते हैं जहाँ पर खिलौनों और छोटी छोटी तस्वीरों से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हें तालीम दी जाती है। बहुत छोटे बच्चों के लिए जो अदारा होता है उसे कहते हैं किंडरगार्टन। अ मिक्सचर ऑफ लीव्स एंड मैन्योर, मैन्योर कहते हैं गोबर की खाद को। पत्तों और खाद का मिक्सचर, उसे हम कहेंगे कंपोस्ट। अ स्मॉल वुडी प्लांट, छोटा सा वुडी प्लांट, पौधा, लकड़ी का पौधा, छोटा सा लकड़ी वाला पौधा, उसे हम क्या कहेंगे, श्रब्स, झाड़ियाँ। द आउटर और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, आउटर सबसे ऊपर वाला, बाहर वाला, आर या टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाला पार्ट, हिस्सा ऑफ समथिंग किसी चीज़ का, बाहर वाला या सबसे ऊपर वाला हिस्सा किसी चीज़ का, उसे हम कहेंगे सरफेस, सतह। एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिज़ायरेबल इवेंट, एक ऐसा हादसा, ऐसा वाक़या जिसके बारे में ना तो आपने ख्वाहिश की हो ना ही उसके बारे में सोचा हो, उसे हम कहेंगे एक्सीडेंट, हादसा। एक ऐसा वाक़या जिसकी ना तो ख्वाहिश हो, डिज़ायर ख्वाहिश को कहते हैं, और एक्सपेक्ट करना होता है सोचना। एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिज़ायरेबल इवेंट, एक ऐसा वाक़या जिसके बारे में ना तो ख्वाहिश की गई हो ना ही उसके बारे में सोचा गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सीडेंट, हादसा। यहाँ पर है फर्स्ट वर्ड, इसका फर्स्ट आंसर है गटर, सेकंड वन है किंडरगार्टन, थर्ड वन कंपोस्ट, फोर्थ वन है श्रब्स, और फिफ्थ वन सरफेस, लास्ट वन है एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन था, उसके साथ साथ एक्सरसाइज की वी पार्ट है, वर्किंग विद वर्ड्स, वो करना है। डायरी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 6, लर्न प्लस राइट, क्वेश्चन को आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। उसके साथ जो एक्टिविटी बी है उसे आपने सिर्फ लर्न करना है।